अभी तक के लिए सबसे बड़ा जो डिमांड है जो है निफ्टी का व्यू। आज मार्केट क्लोज हुआ है, अप्रोक्सीमेट आप अगर देखोगे तो मार्केट जिस रेंज से क्लोज हुआ है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करता है। ये 1 घंटे की चार्ट है। इस 1 घंटे की चार्ट में अगर आप एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि इस 1 घंटे की चार्ट में अप्रोक्सीमेट ये जो वाला पॉइंट है, इसको मैं हटाता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा मार्क करिए। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बेसिकली बहुत बड़ा सपोर्ट चल रहा था, जो टाइम था वो अगस्त महीने का मिडिल सेशन में था। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो वीक्स बनाया था वो सितंबर की 8-9 के आसपास बनाया था, जिसमें अच्छा खासा एक ट्रेंड का सपोर्ट लिया एंड उसके बाद भी और भी एक ट्रेंड का सपोर्ट लेने के लिए ट्राई कर रहा था, मगर सक्सेसफुली वो सपोर्ट शायद नहीं हुआ है। और भी प्रीसियसली मुझे देखना पड़ेगा, मगर इसके ऊपर ये चार्ट ब्रेकआउट मार दिया था। एंड फाइनली इतने सारे दिन कोई भी नीचे ट्राई नहीं लिया, ये ऊपर में ही ट्रेड हो रहा था। एंड आज के दिन फाइनली ये नीचे क्लोज दिया है। उसके ऊपर अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर प्रॉपरली डालोगे तो एक स्मॉल ट्रेडिंग सेशन होता है। ये देखिए, ये एक अगर आप बोलोगे ये एक चैनल था जिस चैनल पे ये ट्रेड हो रहा था, एंड ये एक चैनल था जो चैनल पे निफ्टी ट्रेड हो रहा था। तो ये एक चैनल था, ये एक प्रॉपरली चैनल था, मगर अभी के लिए ये चैनल नीचे ब्रेक हो गया है। तो ये तो जो लॉन्ग जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर दिया, अभी नीचे जा रहा है, मगर अभी कितना नीचे जाएगा इसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, इजीली देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है। क्योंकि मार्केट में सबसे पहले जो है इसका साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट बिहेवियर क्या होता है। ये ऊपर वाला टॉप ऑफ पोर्शन देखिए, ये एक एकुमुलेशन जोन में चल रहा, कॉन्फ्लुएशन जोन में चल रहा था, जहाँ पर बायर एंड सेलर बोथ आर कंफ्यूज्ड। एंड एक लेवल पे इसका गैप डाउन मिला, नीचे आया, नीचे जाने के बाद फिर से एक बायर में पुश डाला एंड ऊपर में एक बड़ा वाला रेड कैंडल करके ये नीचे आ गया था। ये था इसका सिनेरियो, जहाँ पर फिर से एक कार पैटर्न क्रिएट किया एंड इसको आप बोल सकते हो कि ब्रेकआउट किया। जिस लेवल से ब्रेकआउट किया ये लेवल फिर से एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया एंड मार्केट उसके ऊपर बेस करके ऊपर चला गया। या फिर अगर देखोगे एक सिंपल सा कार्प एंड हैंडल का पैटर्न है जिसमें ऊपर ब्रेक किया। कार्प एंड हैंडल का पैटर्न से मुझे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फिर से एक रेंज में गया था एंड नीचे एक फिर से छोटा करेक्शन लेके ये ऊपर भाग रहा था। तो नीचे जो बायर है वो एक्चुअली बैठे हुए थे एंड इस जोन पे ये जो प्योर या से इस जोन पे सेलर जो एक्टिविटीज़ है, सेलर एक्टिविटीज बहुत कम था, इसलिए इतना अच्छा एक स्ट्रेट
आप गेन देख सकते हो। अगर सेलर मार्केट में लो है, दैट मीन्स आपको एक स्ट्रॉन्ग रैली मिलेगा जहाँ पर बाइंग आ रहा है एंड वो एक्सट्रीम लेवल पे आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मार्केट जब इस आसपास रेंज पे ट्रेड हो रहा था, तो मैं पर्सनली, मेरा जो ब्रॉडकास्ट है उसमें मैंने बोल दिया था कि टेक्निकली मुझे थोड़ा बहुत नेगेटिविटी लग रहा है। अभी सिनेरियो क्या है? सिनेरियो बहुत इजी है। अभी ये जो ट्रेंड चल रहा था, इसमें ए ब्रेक डाला, फिर से ए ट्रेंड ए ब्रेक, ए ट्रेंड ए ब्रेक, तो कंसोलिडेशन पैटर्न बहुत छोटा हो गया था। उसके बाद नीचे आया, ए ब्रेक ए ब्रेक। यहाँ पर ये जो टाइम है, ये टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा है, ये टाइम ज़्यादा नहीं ले रहा है, मगर ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। अभी के लिए देखिए उल्टा हो रहा है, नीचे ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है, फिर से नीचे आ गया। ये जो रेंज आप देख पा रहे हो, ये जो रेंज यहाँ से यहाँ एंड ये यहाँ से यहाँ, ये जो दो रेंज है, आपको ये वाइटल रेंज पता चलेगा। ये वाइटल रेंज क्यों है? अभी यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेट आप देख पा रहे थे, यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा 100 to 200 points का एक रेंज देखने को मिलेगी, जहाँ पर निफ्टी 100 points अप, 100 points डाउन, 100 points अप, 100 point डाउन का एक फेज क्रिएट करेगा, जहाँ पर एक एकुमुलेशन फेज क्रिएट करेगा। उसके बाद मार्केट को लिक्विडिटी लेने के लिए और भी थोड़ा 1% के आसपास, 1 to 2% के आसपास नीचे होना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ऊपर भागेगा। अभी 1% 2% मैंने क्यों आप लोगों के साथ शेयर किया, इसके लिए थोड़ा टेक्निकली जाना पड़ेगा। अगर टेक्निकली आप जाते हो, तब आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली सिनेरियो है। ये अगर देखोगे, अगर यहाँ से पॉइंट अगर आप देखोगे, तो 2400 के आसपास इसका पॉइंट जनरेट होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली, मैं और भी प्रीसियसली इसको टू थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास, एंड प्रिसाइजली अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये जो रेंज है, इस रेंज को आपको मार्क करना पड़ेगा। इस रेंज जो है, ये जोन एक्चुअली पर 50% एरिया होता है। अगर आप रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करते हो, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, मेरे ख्याल से इतना सारा नहीं चाहिए मुझे, 50% एंड ये भी गलत कर दिया, मुझे ये दो चाहिए, 50 and 618। ये जो दो लेवल आप देख पा रहे हो ना, इस दो लेवल ही बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मार्केट 25,100 के आसपास एक बार रिट्रेसमेंट सपोर्ट जोन के लिए नीचे आसपास आएगा। इसका 1% भी अगर आप देखोगे, तो वही वैल्यू आ रहा है, 1 to 2%, दैट मीन्स एक स्पाइक लो के आसपास आ सकता है। एंड ये जो वैल्यू है, ये देखिए इसका टॉप है, जिस टॉप के ऊपर बेस करके उसके बाद मार्केट ऊपर भागा था, एंड उसके टॉप पर बेस करके मार्केट नीचे आया था।
दैट मीन्स ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 50, 25,100, मेरे ख्याल से 25,100 सिंगल डे पे भी हिट कर सकता है और थोड़ा टाइम भी लग सकता है। अगर खूब बहुत पैनिक क्रिएशन होता है इसके बाद मार्जिन शॉर्ट हो सकता है। सेंटिमेंटली मार्केट का सेंटिमेंटल भी बहुत बिगड़ा हुआ है, क्योंकि ईरानी रे इसराइल का ऑलरेडी एक वार स्टार्ट हो गया है, बोथ साइड से फायरिंग हो रहा है, मिसाइल फायरिंग हो रहा है, तो सेंटिमेंटल जोन थोड़ा बहुत डर का माहौल आप मार्केट में बोल सकते हो कि डर का माहौल हो सकता है, हो सकता है ऐसे छोटा सा एक बाउंस बैक दे 100 पॉइंट्स के ऊपर। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट आप अभी तक के लिए तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, थोड़ा नीचे आ सकता है 50, 25,100 और से 24,800 तक, अभी तक के लिए एक बड़ा सपोर्ट जोन है, उसमें मार्केट टेस्ट कर सकता है। उसके बाद मार्केट का कैरेक्टर बिहेवियर क्या होता है, ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन क्या होता है, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। अभी तक के लिए अभी भी मेरा जो टेक्निकल व्यू है वो अभी तक एक फीलिंग नहीं हुआ है, गैप फीलिंग नहीं हुआ है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये गैप फीलिंग अगर हो जाए तब मैं बोल सकता हूँ कि अब इस प्लेस से, ये जो प्लेस मैंने मार्क किया हो, इस प्लेस से कहाँ तक ऊपर जाएगा और नीचे आएगा उसके ऊपर व्यू उस दिन के मैं दूंगा जब ए वाला सेशन में मार्केट ट्रैवल करेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज। बाय बाय।